आप अपना सामान पैक कर ले, मैं गाड़ी में वेट करो, फिर चलते हैं। फोन। आप अपने साहब से कह दें वो कुछ दिन और रुक जाए। जाना तो पड़ेगा भी, साहब यहाँ रुक नहीं सकते और आप यहाँ रह नहीं सकते। ये घर मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़ के बनाया है, मैं ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आप प्लीज उनसे बात करें। जब मकीन ही बाकी ना रहे तो मकान बेमानी हो जाता। आप वैसा ही करें जैसा साहब कह रहे हैं, प्लीज आप उनकी सुन लें। जो भी मैं कहता हूँ बहुत संजीदगी से कहता हूँ, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। जानती हूँ ताहिर। खैर, हेलो। हाँ नगमा, क्या हुआ? उसे कहो कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। नहीं, मैं आसिफ, मैं ताहिर के साथ हूँ। वो उसका भी कज़न है और वो मेरा भी कज़न है। उसे को सब ठीक है, बस मैं आ रही हूँ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आमिर। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं उसे तुम्हें देख के आसिफ का गुमान होता है। कोई बात है, मैं तुम्हारे घर फ्रीक्वेंटली आना जाना करूंगा तो आसिफ को भूल जाओ। लेकिन ताहिर। लेकिन क्या, मैं कह रहा हूँ ना, मैं उससे आके मिलूंगा, वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। वो तो ठीक है ताहिर, मगर तुम। सोबिया, आमिर मेरा भी कुछ लगता है, कजन है मेरा, मैं ख्याल रख लूंगा उसका। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अभी चलें, मुझे देर हो रही है। हाँ चलो।